हैप्पी तीज। निधि ने जो ये प्याज का स्पेशल कचौड़ी बनाया ना, ओहो बहुत मस्त वाला आ गया, सबसे मस्त, बहुत टेस्टी है। शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये ब्लॉग है वेडनेसडे का। आप सबसे पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था जो आज मुझे तीज के पार्टी में जाना है, और यहीं पर मैंने अपना ब्लॉग खत्म किया था। तो सावर मैंने ले लिया है, मशीन भी मैंने लगा दिया, लंच भी तैयार हो चुका है। शिखा जस्ट अभी आई है, आज थोड़ा सा लेट आई है। अभी आप सबको मैं किचन में मिलवाती हूँ, अभी तैयार नहीं हुई हूँ, बस अभी जाके तैयार होंगी और फिर आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हर साल मैं साड़ी पहनती हूँ लेकिन बहुत गर्मी है। ये देखिए, अभी जस्ट नहा के आई हूँ और ये पसीना का हाल देखिए, बहुत गर्मी है तो सूट ही पहन के जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार होती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। और ये देखिए, शिखा थोड़ा लेट आई है, अब जल्दी से किचन साफ करेगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? फिर मैं तैयार होके जाऊंगी। मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ तीज के पार्टी में, और आप सब भी चलिए। आप सबको भी मैं बहुत दिन के बाद अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। और ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना है। सरस्वती का क्लास हो रहा है इसलिए पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, उसका ट्यूशन चल रहा है। कान में छोटा सा ये ग्रीन कलर का झुमकी। यहाँ सरस्वती का क्लास चल रहा है और ये मैं आ गई नीचे, सामने कल्पना वेट कर रही है। कल्पना, बहुत दिन के बाद मिल रहे हो। आ गई, हैप्पी तीज, हैप्पी तीज। हम लोग तीनों ये, और हम लोग जा रहे हैं निधि के घर। निधि से आप सबको मिलवा चुकी हूँ। ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड निधि। वैसे तो हर साल ये फंक्शन हम लोग कॉमन हॉल में मनाते थे, आप सबसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार बहुत सारे लोग नहीं आने वाले थे, बस हम 7-8 फ्रेंड्स ही थे। तो निधि के घर ये वाला तीज होता है, हम लोगों के यहाँ इसके आगे वाला जो तीज आता है वो होता है। तो निधि ने अपने घर ही सबको बुला लिया था, और निधि ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। निधि के हाथ की चाय तो मस्त बनती है, हम लोग उसके हाथ की चाय के बहुत फैन हैं, तो चाय भी बना रखा था। और जाहिर है बहुत दिनों के बाद हम सबका मिलना हो रहा है आजकल, बस खूब सारी मस्ती किया, एंजॉय किया हमने। जो ये प्याज का स्पेशल कचौड़ी बनाया ना, बहुत मस्त वाला आ गया, मजा ही आ गया, ऑसम, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, सबसे मस्त, बहुत टेस्टी, बहुत मस्त, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। What seems like forever, try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone who can make me feel better, wrap me up in a sweat. Hello friends, और आज है next day, तकरीबन 1 o'clock हो रहे हैं और सुबह का सारा काम हो चुका है। सुबह सुबह हम लोगों ने सिंपल सा ओट्स लिया था, तो रेसिपी आप सबसे शेयर नहीं की थी। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही मजेदार सी यम्मी सी लंच कॉम्बो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो हम सबके फैमिली का बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, और एक बार आप सब भी जरूर ट्राई करना। सिंपल सी रेसिपी है और हेल्दी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जो मैंने सब्जी बनाई है उसमें तेल ज्यादा गया है, तो अगर आप चाहें तो तेल थोड़ा कम करके इसको हेल्दी बना सकते हैं। आज मैं आप सबसे बेसन की रोटी और मलाई टिंडा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसन की रोटी का आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास बेसन और 1 ग्लास आटा लिया है। रेशियो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सबको बेसन का फ्लेवर ज्यादा पसंद ना हो तो हाफ हाफ रख सकते हैं बेसन और आटा का रेशियो, या आटा थोड़ा ज्यादा कर दें। मेरे घर में बेसन की रोटी में बेसन का फ्लेवर सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही रेशियो रखती हूँ। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है, और 1 टीस्पून अजवाइन, और खूब सारा लहसुन भी जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 मोटे वाले गार्लिक को ग्रेट करके ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, और ये देखिए अजवाइन भी मैंने ऐड कर दिए हैं।
और आप सब लहसुन जरूर ऐड करना बेसन की रोटी में, लहसुन का फ्लेवर बहुत ही ऑसम जाता है। 1.5 टीस्पून मैंने सरसों का तेल भी ऐड किया है। बेसन की रोटी में सरसों के तेल का फ्लेवर भी बहुत ऑसम जाता है। तो फ्रेंड्स, सरसों का तेल भी मस्ट 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 ऐड करना। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर, 1/2 टीस्पून हींग, थोड़ा सा काला नमक अंदाजे से और थोड़ा सा नॉर्मल नमक, इन सभी चीज़ों को ले लिया है और मिक्स कर लेना है। इन सब मसालों को मिक्स करने के बाद टिंडा में हम स्टफ़ करेंगे। तो 1/2 केजी टिंडा को मैंने छील लिया था और इस तरह से 4 पार्ट में कट लगा दिया है। अब इसके अंदर इन सभी मसालों को स्टफ़ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हर कट के अंदर मसाला को स्टफ़ कर लेना है और जो एक्स्ट्रा मसाला होगा उसको हम फिर निकाल देंगे। सेम प्रोसेस से सारे टिंडा को स्टफ़ कर लेंगे और स्टफ़ करने के बाद फिर आगे का हम प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, सारे टिंडा को मैंने स्टफ़ कर लिया है और यहाँ पर कढ़ाही में मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया है। 2 तेज़पत्ता ऐड करना है, 2 से 3 हरी इलायची और 1 टीस्पून जीरा। फिर मैंने इसमें 1 प्याज बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है क्योंकि ये रेसिपी सफ़ेद तेल में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या घी भी ले सकते हैं। और तेल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऐड किया है। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कलर आने के बाद टिंडा को इस तरह से एडजस्ट कर देना है और ढक के बिल्कुल मीडियम आंच पे 1/2 से 1 मिनट तक एक साइड से पका लेना है। और एक साइड से पकाने के बाद फिर दूसरे साइड से भी 1/2 से 1 मिनट तक पका लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने 1-1 मिनट तक पका लिया था। अब इसमें 1 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है और पानी ऐड करने के बाद इसको ढक के टिंडा के 80% तक पकने तक पका लेना है। बीच बीच में चेक जरूर करते रहना ताकि टिंडा जले नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, टिंडा 80% तक पक गया है। तो बाकी जो बचा हुआ मसाला था उसको स्प्रिंकल कर देंगे। और घर का फ्रेश मलाई 1/2 कप मैंने लिया है और थोड़ा सा दूध भी ले लिया था। अच्छी तरह से फेंट के इसको ऐड कर देना है। मलाई ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है और ढक के सब्जी को फिर से स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पूरी तरह से टिंडा के पकने तक पका लेना है। लेकिन टिंडा को ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा साबुत ही रखना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अगेन मैंने टिंडा को पका लिया था। अब सब्जी बिल्कुल डन है। थोड़े से ग्रीन चिली मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूंगी और कोरिएंडर लीव्स। ग्रीन चिली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और ये है सब्जी का फाइनल लुक। बेसन की रोटी भी मैंने सारे बेल लिए हैं और मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज के बनाए हैं। 1 तवा पर 3 रोटी बना सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बना के देखना बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। ये देखिए, एक साइड से जब कलर आ गया तो इसको हम गैस पे इस तरह से सेक लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर बटर या घी लगा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन मैंने ऐसे ही खाया था। मेरे घर में सबको बिल्कुल प्लेन ये रोटी पसंद है, लेकिन घी लगा के भी बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना जब भी कुछ अच्छा और मज़ेदार सा खाने का मन करे, जो थोड़ा हेल्दी भी हो, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मलाई टिंडा मोस्टली रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। वैसे आप चाहो तो राइस के साथ खा सकते हो, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। तो ऐसा नहीं है जो बेसन की रोटी के साथ ही बनाना है। बेसन की रोटी के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप चाहे तो चपाती, पराठा, तंदूरी रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। और ये देखिए, ये है आज के लंच की थाली। लंच करने के बाद ये देखिए, किचन पूरा मैंने साफ कर लिया है और अभी मैं बनाऊंगी पुदीने, अजवाइन और सौंफ वाली चाय। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा
ब्लॉग या रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीक मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स एक चीज तो कहना भूल ही गई, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।